हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे खुद को वश में करने का तरीका, अपने मन पर काबू कैसे पाए, लोगों की बातों से परेशान न होकर अपने आप को खुश कैसे रखें। आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के इस मोरल स्टोरी से। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वो वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह से बहुत भला बुरा कहा। जिस जगह हमारा मान सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ देना ठीक है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दे। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटे। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। आपको ये गौतम बुद्ध की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।